एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो शांति और खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से पिछले कुछ दिनों से यहां अपराध का सिलसिला जारी है, उससे तो इसकी पहचान बदलती दिख रही है। इस बार बदमाशों ने कोर्ट द्वार में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। को बैठाया, मुंह बांधा उनका, दोनों का, मेरी बेटी का, फिर मुझे भी, मेरा भी मुंह बांध दिया, अंदर लेकर गए, मारने के धमके दिए, चक्कू नहीं खाला, गर्दन पर रखा, कट्टे कट्टे उनके पास में जो होते हैं चार पांच ले रहे, पीछे भी लगा रखे थे, मार देंगे तो बता दे। इस महिला की इन बातों को सुनकर किसी के भी रोंगटे सिहर उठेंगे। तो जरा सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा इस घर में मौजूद सदस्यों का, जब उन्होंने खूंखार बदमाशों का सामना किया। दरअसल यह घर बीती रात बदमाशों के कहर का गवाह बना है और यहाँ रहने वाले एक एक सदस्य के चेहरे पर वो दहशत साफ देखी जा सकती है। उत्तराखंड में बढ़ रही है बदमाशों की दहशत। कोर्ट द्वार में बेखौफ बदमाशों ने डाली डकैती। बंदूक की नोक पर पूरे परिवार को बनाया बंधक। सुबह सवेरे अंजाम दी गई डकैती की वारदात। ठिठुरती ठंड में सुबह जिस वक्त इंसान अपने बिस्तर से बाहर निकलने की सोचता भी नहीं है, उस वक्त कोर्ट द्वार का ये परिवार बदमाशों का बंधक था। इस घर के अंदर बदमाश डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे थे। वक्त था सुबह 7 बजे का, जिस वक्त प्रमोद कुमार प्रजापति के मकान में करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर में घुसते ही सबसे पहले घर की महिलाओं और लड़कियों की गर्दन पर बंदूक और चाकू रख दिया और परिवार के लोगों को मारने की धमकी दी। मेरी सास को बैठाया, मुंह बांधा उनका, दोनों का, मेरी बेटी का, फिर मुझे भी, मेरा भी मुंह बांध दिया, अंदर लेकर गए, मारने की धमकी दी, चक्कू नहीं खाला, गर्दन पर रखा, कट्टे कट्टे उनके पास में जो होते हैं चार पांच ले रहे, पीछे भी लगा रखे थे, मार देंगे ये तो बता दे। उनका हम गलत नहीं कहेंगे, ना तेरी बेटी को, ना तुम्हें, ना अम्मा जी को कहेंगे कुछ भी, बुढ़िया को। मैंने कहा उन्होंने गलत, बताओ कहाँ है, मार रहे थे कि चक्कू गर्दन पर लगा दिया, बताओ कुछ, अन्ना तेरी लड़की, इसकी लड़की की गर्दन उड़ा दो, जब ही बताएगी वो सच। इसके बाद बदमाशों ने पूरे घर के इत्मीनान से तलाशी ली और घर के अंदर रखे एक एक सामान को खंगाला। बदमाशों ने घर की अलमारियां खोली, बक्सों में रखे सामान को निकाला, यहां तक कि बेड के नीचे रखे सामान को भी खंगाला और उन्हें जहां पर जो भी कीमती सामान मिला सब अपने साथ ले गए। पीड़ित के मुताबिक फरार होने से पहले बदमाश परिवार को 2 घंटे तक बाहर न निकलने की हिदायत भी दे गए। कितने बजे के लगभग? 7 बजने में 10 मिनट थी तो। जब वो चले गए, हमने देखा सहसा, उन्होंने कह रहे हम 2 घंटे यही रहेंगे तो तुम बाहर मत लेकर, हमने सहसा देखा, कह रहे आपस में खोल लेना, और चार वो तीन तो उन्होंने कर दिया, तीन चार मान से 6 थे वो, मुझे लगा तो बाहर हो गए एक गेट पे देख रहा होगा, कह रहे तुम 4 इधर को जाओ, हम 2 गेट पे बाद में आएंगे। बदमाशों के फरार होने के बाद परिवार ने एक दूसरे को बंधन मुक्त कराया और शोर मचाकर पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया, जिसके बाद इलाके में डकैती की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद ली। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर वारदात का खुलासा करेंगे। यहाँ पे तुसी लॉज के पीछे कुछ लूटपाट की घटना घटी है, इस पे हमारी पूरी टीम, हमारे CO साहब और हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। हमने यहाँ पर पूछताछ किया है, यहाँ पे तो बता रही हैं कि ये जो महिला हैं, ये इनके पति बहादुराबाद में उनकी फैक्ट्री है और ये सवेरे उठ जाती हैं, तो करीब 6:30 बजे उठ करती उन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया था, जो भीतर का दरवाज़ा था, और गेट के ताला निकाल के खोल दिया था उन्होंने, और इस पे जो है बताते हैं कि 4-5 लोग आते हैं भीतर, आने के बाद उन्होंने पैसे रुपए की डिमांड की और फिर जो इनकी बिटिया जो ऊपर सो रही थी उसको भी पकड़ के लेके आए नीचे। किसी भी के साथ भी कोई मिस बिहेव नहीं किया गया था और कुछ इनके जैसे घर पे आके उन्होंने सामान देखा, काफ़ी सामान उथल पुथल है। पिछले कुछ वक्त से उत्तराखंड में अपराधियों के हौसले तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक वारदातों का सामने आने का सिलसिला जारी है।
जिस तरह से बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, ये पुलिस के लिए सीधी चुनौती मानी जा रही है। कोटद्वार से गिरीश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।